हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे पैन कार्ड ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक करते हैं। उसके लिए आपको एक जैसे पैन कार्ड आप अप्लाई करवाते हैं किसी कैफ़े में, आपको वो ऐसी रिसिप्ट देते हैं, ऊपर आप देख सकते हैं एक एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखा हुआ है, उसको आपने ध्यान से देखना है। उसको मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में आपने कहाँ पे फिल करने और अपना स्टेटस कैसे देख सकते हैं। जैसे आपको पता होगा वैसे पैन कार्ड दो तरह के होते हैं, एक तो जल्दी मिल जाता है आपको, 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी मेल आईडी पे सेंड कर दिया जाता है, अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक हो तो। अगर लिंक नहीं है तो आपको 15-20 दिन लग जाएंगे, वो बाय पोस्ट आपके घर में आ जाएगा, बाय पोस्ट आपके घर में भी आ जाएगा और आपकी मेल आईडी पे भी सेंड कर दिया जाएगा। अगर किसी कारण आप घर पे नहीं होते, वह पोस्ट वाला वापस ले जाते हैं, तो आप अपनी मेल आईडी से भी निकलवा सकते हैं उसको। ओनली 50 रुपये लगते हैं उसके लिए आपको किसी कैफ़े में जाकर। और आज हम बात करेंगे उसका स्टेटस कैसे चेक करते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए आपको एक साइट ओपन करनी है, जहाँ पर आपने लिखना है पैन कार्ड। देख सकते हैं ऊपर आ गया पैन कार्ड चेक स्टेटस शिफ्ट NSDL, आपने ये लिखना है पैन कार्ड स्टेटस चेक NSDL। आप यहाँ पे लिखेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको एक ऐसी साइट दिखाई देगी, आप देख सकते हैं स्टेटस ट्रैक सर्च फॉर पैन 10 ऑनलाइन, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे और एप्लीकेशन टाइप में आप सिलेक्ट करेंगे पैन न्यू चेंज रिक्वेस्ट, और नीचे आपने क्या फिल करना है, मैंने जो अभी आपको आईडी दिखाई है एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट नंबर, अभी आप देख सकते हैं एक साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर एक एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखा हुआ है जो आपको रिसिप्ट कैफे वालों ने दी है, एक्नॉलेजमेंट नंबर दिखा हुआ है हमको, वो जहाँ पर फिल कर देना है 077। जैसे आपकी कोई भी रिसिप्ट होगी वैसे ही कर देना है, मैं कर देता हूँ अभी आपके एक बार चेक करवाने के लिए। कोई भी हम नंबर डाल देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे आ जाना है आपको, यहाँ पे कैप्चा फिल करना है एक DJPBJ, ये सभी कैपिटल में आएंगे जी, कोई भी शॉर्ट में नहीं आएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है नीचे, जब आप सबमिट करेंगे आपको एक ऐसी शो होगी स्क्रीन जहाँ पे लिखा हुआ है यूअर पैन कार्ड हैज़ बीन डिस्पैच्ड ऑन 23 अप्रैल 2019। इसका मतलब कि आपका पैन कार्ड बन चुका है और को 23 अप्रैल को ये आपके घर भी पहुँच चुका है, और किसी कारण आप घर पे नहीं हो तो इसको आप ऑनलाइन एक मेल आईडी पे भी आप निकलवा सकते हैं। जैसे आपने किसी कैफ़े में अप्लाई किया है वो अपनी मेल आईडी भी डाल देते हैं यहाँ पे, अगर आपने अपनी डलवाई हुई है तो आपकी मेल आईडी पे एक मैसेज आ जाएगा, वहाँ पे आपका पैन कार्ड शो होगा, आपको उस पैन कार्ड को निकलवा लेना है किसी भी कैफ़े में जाकर। जी छोटा सा एक वीडियो था हमारा, अगर किसी को ना कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, और आप बता सकते हैं हम अगला टॉपिक कौन सा लेकर आएँ, आप किस पे टॉपिक के हमसे वीडियो चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ही वीडियो के लिए, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके, थैंक यू सो मच।